हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं तृष्णा, आप लोग सभी को मेरे यूट्यूब चैनल इजी वे असम में फिर से स्वागत करती हूं। और अभी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूं फिर से नया एक इन्फॉर्मेशन। और आज का ये इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो का रिसेंट अपडेट आप लोग को मिलता रहे। यहाँ पर मैं आप लोग को ITI रिलेटेड जॉब का अपडेट देती हूँ और अप्रेंटिस का भी अपडेट देती हूँ। और अभी आप लोग को मैं देने जा रही हूँ CITS का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का अपडेट। ये देखिए, अभी CITS का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का मतलब आ गया है। ये टेंटेटिव एक्टिविटी शेड्यूल फॉर कॉन्डक्ट AITT ऑफ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर अंडर CITS एनुअल सिस्टम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फरवरी में होगा 2023 रिगार्डिंग। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक्टिविटी शेड्यूल AIT क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग अंडर CITS एनुअल सिस्टम का हेल्प फ्रॉम 22/2023 से लेकर 28/2023 तक दिया गया है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए एक्टिविटी में रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेनीज एंड एग्जामिनेशन फीस लिंक आप लोग का मिलेगा 16/1/2023 से लेकर 29/1/2023 तक। उसके बाद आप लोग का मैपिंग होगा एग्ज़ाम सेंटर और फॉर प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग डूइंग एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन निमी चेन्नई NSEIT लिमिटेड विथ सपोर्ट के मुताबिक आप लोग का 30/1/2023 से लेकर 5/2/2023 तक होगा। उसके बाद आप लोग का होगा जनरेशन ऑफ हॉल टिकट आप लोग का जनरेट होगा 6/2/2023 से लेकर 8/2/2023 तक। उसके बाद आप लोग को डाउनलोड कर सकेंगे आप लोग हॉल टिकट 8/2/2023 से, और निमी पोर्टल में आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर अभी देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग और सॉफ्ट स्किल प्रैक्टिकल का यहाँ पर आप लोग को डेट दिया गया है 20/2/2023 को, और ट्रेड प्रैक्टिकल का 21/2/2023 से लेकर 22/2/2023 तक रहेगा, और ट्रेनिंग मेथोलॉजी प्रैक्टिकल का 23/2/2023 से लेकर 24/2/2023 तक होगा। और CBT एग्ज़ाम आप लोग का ऑनलाइन मोड में होगा और उसका डेट रहेगा 27/2/2023 से लेकर 28/2/2023 तक। और जिन लोगों का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेथोलॉजी CBT एग्ज़ाम ये सब आप लोग को देना है तो डेट अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का अपलोडिंग कॉम्पिलिंग ऑनलाइन एग्ज़ाम मार्क्स होगा 20/3/2023 तक, मतलब अपलोड किया जाएगा नंबर। उसके बाद आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 27/3/2023 को आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आज का इन्फॉर्मेशन इतना ही था, और अभी के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय गाइज़।